ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुआ था उनको इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, फिर अपनी लाश बिछा। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आनी, जो शहीद हुए हैं उन आएगा जाना उनको हुए है उनके। भारत माता की, भारत माता की, मेरी माटी मेरा देश। सुप्रभात, आज हम स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट, इससे कौन सा हमारा देश चलता है? जो बो माटी है, जो बो माटी है, इस धरती माँ ने हजारों लाखों शूर वीर पैदा किए हैं। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे जिन्होंने अपने प्राणों की इस माटी, इस धरती माँ के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, ऐसा देश चलता है। जो बो माटी है, जो बो धरती माँ है, जिससे हमें कोयला अनेक पदार्थ मिलते हैं, जिसे बड़े बड़े कारखाने चलते हैं। यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब परमा उपकार तेरा है, सब परमा उपकार तेरा। हाँ बिल्कुल सही, सुनो भाई, सुना सुना बात है। इससे अब हमारी जेएनके में भी इलाहाबाद, जिसका नाम है जिगरी यार। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब तो बहुत अच्छा चल रहा था, पर अब कुछ दिनों से जो कस्टमर आता है वही पक्का बिल मांगता है। अब पक्का बिल मैं उसको कहाँ से दूँ? यार मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं तो कस्टमर को कहता हूँ जो खरीदना है खरीद लो, थोड़ा सस्ता भी कर दूंगा, पर पक्का बिल नहीं मिलेगा, लेकिन वो मानते ही नहीं है, लोग जागरूक बहुत है। और भाई इसी चक्कर में कस्टमर बिना कुछ खरीदे ही चले जाते हैं, के बारे में तो कुछ सोचना पड़ेगा। अंकुश तुझे याद है हमारा बचपन का दोस्त है एक अभिषेक? हाँ भाई, उसको कैसे भूल सकता हूँ? भाई मैंने सुना है वो काफी अच्छा बिजनेसमैन है, वो फॉरेन की ट्रिप्स भी लगाता रहता है, उससे इस बारे में मशवरा किया जाए। हाँ भाई, भाई मैं उसको फोन करता हूँ। हेलो, टर्न 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 टर्न। आजकल तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, आजकल सारा जमाना डिजिटल है, आप ऑनलाइन जाओ, आपका 7 दिन में जीएसटी नंबर तैयार हो जाएगा, पक्का बिल भी दो और मेरी तरह साफ सुथरा व्यापार करो। पर भाई मसले तो हमारा नुकसान है, हमें अपनी कमाई से गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। भाई इसी चीज से तो लोग अवेयर नहीं है, जो भी हम टैक्स पे कर रहे हैं वो अपनी जेब से पे नहीं कर रहे हैं, कस्टमर हमें पे करता है और हम एक जरिया है उस टैक्स को सरकार तक पहुँचाने का। भाई ये तो देशभक्त, उसके लिए तो देश को दिल में बसाना पड़ता है। इस देश का प्यारा क्या कहना, ये देश या दुनिया का कहना। है ये देश योद्धाओं का देश है, एक योद्धा वो जो सीमा पार खड़े हैं और एक योद्धा आप जो समय समय पर अपना टैक्स पे कर रहे हैं। टैक्स चाहे 5% हो या 28%, चाहे सिनेमा हॉल में हो, चाहे आपके रेस्टोरेंट में हो, बट कहीं ना कहीं पे करके आप उन्नति ही कर रहे हैं। और अंत में आप सबका मेरे दिल से शुक्रिया और स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से शुक्रिया, आप सब यहाँ आए और हमारा मनोबल बढ़ाया। थैंक यू, थैंक यू। मेरे आवाज़
टैक्सेस ऑफिसर हूँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के द्वारा? हमारा जो स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट है, आज उसने यहाँ पर एक नाटक के माध्यम से लोगों को अवगत कराया है जीएसटी और उसके फ़ायदों के बारे में। और ये जो हमारे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं, ये हम मेरी माटी मेरा देश उसी के तहत हम कर रहे हैं। और मैं स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट से धन्यवाद करना चाहूँगी, हमारी पब्लिक का, हमारे दुकानदारों का, उन्हीं के कॉन्ट्रीब्यूशन से आज हमारा J&K जो है वो स्थान पहले नंबर पर आया है रेवेन्यू कलेक्शन में। तो ये सब आप सबके योगदान से ही पॉसिबल हुआ है। तो मेरी तरफ से, पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आज भी कुछ लोग हैं जो टैक्सी से भागते हैं, तो उनको क्या कहना? जो लोग टैक्सी से भागते हैं, ये इस तरीके के प्रोग्राम्स हम उन्हीं लोगों के लिए करवाते हैं। अक्सर हमें लगता है कि अगर हम बिल नहीं लेंगे तो हमें चीज़ सस्ती मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कोई भी चीज़ लें, चाहे हम बिल पक्का लें चाहे हम बिल कच्चा लें, तो चीज़ उतने की ही पड़ रही है। तो अगर आप पक्का बिल लेंगे तो कहीं ना कहीं आप टैक्स जो चोरी हो रहा है, जो टैक्स ऐसे ही कहीं जा रहा है, तो वो टैक्स जो है वो सरकार तक पहुंच जाता है। और उसी टैक्स से हमारे कारखाने चल रहे हैं, हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, आप देख रहे हैं कि बाहू प्लाज़ा में इतनी ब्यूटिफिकेशन हुई है, जम्मू स्मार्ट सिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये सारा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो टैक्स कंप्लाइंस की वजह से आ रहा है। तो हमारा J&K ऑलरेडी नंबर वन पर आके हमने ये प्रूव किया है कि हमारा टैक्स कंप्लाइंस भी बहुत अच्छा है और हमारी पब्लिक जो है वो भी बहुत अवेयर हो चुकी है। 15 अगस्त भी आ रहा है, लेके क्या ये सब जो है, ये 15 अगस्त हमारे 76 साल पूरे हो रहे हैं और आज़ादी के, और ये सब कार्यक्रम जो है हम इसी खुशी में ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। हमें बहुत बताने में खुशी है कि इन 76 ईयर्स में वी हैव अचीव्ड सो मेनी थिंग्स। एज हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वी हैव गॉट नंबर वन इन होल इन इंडिया में अगर हम देख रहे हैं, तो वी हैव अचीव्ड सो मेनी थिंग्स। तो इसी तरीके से, और मीडिया को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप भी इसी तरीके से हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। और पब्लिक को मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि हमारे डिपार्टमेंट के GST सुविधा केंद्र बने हुए हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में। अगर किसी को भी किसी भी तरीके की कोई भी मदद चाहिए हो तो वो हमारे GST सुविधा केंद्र में आ सकते हैं। और क्या नाम आपका? अभिषेक। अभिषेक जी, क्या कहेंगे इस प्रोग्राम? हम पहले तो अपने डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पर प्रोग्राम करने की। और हम ये बोलना चाहेंगे कि जो भी हमारा यूथ है जो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, नशे की तरफ जा रहा है, वो वहाँ से हटके एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए और हमारा डिपार्टमेंट उनको सपोर्ट करेगा। इस चीज़ के बारे में हम आप लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि सभी लोग अपनी रिटर्न्स टाइम से भरें और जब भी खरीद करें अपनी खरीद का पक्का बिल जरूर।